अस्सलाम वालेकुम, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल जी एग्रीकल्चर 1-2। ये मैंने एक बाउल तोड़ा है, मुझे शक पड़ा है कि इसमें गुलाबी है। ये देखिए, ये साफ़ नज़र आ रही है इसमें गुलाबी। ये गुलाबी सुनिए, ये मैंने अभी तोड़ा है बाउल। आपने क्या करना है, जब आपने लास्ट चुनाई इसकी कर लेनी है तो गुलाबी सुंडी के अटैक से बचने के लिए आपने क्या करना है, इसमें बकरियां छोड़ देनी है अपनी फील्ड में। इससे क्या होगा कि गुलाबी सुंडी जो है ना वो तल्फ हो जाएगी। क्या बकरियां क्या करेंगी, ये चीज़ आके खाएंगी, ये वाली ये चीज़ खाएंगी, इसके टीँडे खा जाएंगी, छोटे छोटे जो टीँडे मौजूद हैं, ये देखें ये टीँडा मौजूद है और इसमें भी गुलाबी थी, ये इससे निकल के किसी और में दाखिल हो गई होगी। इससे निकल के किसी और टीने में दाखिल हो गई, ये देखिए इसने सारा टीना ख़त्म कर दिया। बकरियां ये चीज़ आके खा जाएंगी, ये बाउल खाएगी, ये बाउल इसको खा जाएगी, छोटे छोटे ये जो जितने बाउल ठहरे ये सारे खा जाएगी। अगर इनमें गुलाबी सुंडी है तो वो उनको भी खा जाएगी। ये देखिए ये गुलाबी मौजूद है, ये मौजूद है, ये है, ये गुलाबी सुंडी मौजूद है जी। देखें ये देखें, साफ नज़र आ रही है। अगर बकरियां छोड़ने का फ़ायदा ये होगा कि ये छोटे छोटे टीँडे या छोटे छोटे बाल ये खा जाएंगी बकरियां और ये तल्फ हो जाएगी। अगर ये हमने ना किया तो गुलाबी सुंडी इसमें मौजूद रहेगी, नेक्स्ट ईयर जो है वो आपकी कपास में फिर इसका अटैक इससे भी ज़्यादा हो जाएगा जो इस साल हुआ है। ये देखिए इसने इसको ख़त्म किया हुआ, ये हिस्सा खाएगी, ये जो छोटा टीँडा है ये देखिए ये खा जाएगी, बकरियां ये खाएंगी। और इससे क्या होगा, गुलाबी सुंडी जो है इसमें मौजूद वो तल्फ हो जाएगी और नेक्स्ट ईयर आपके फील्ड में इसका अटैक कम होगा। अगर ये आपने ना किया, ये जैसे ये छोटे टीने हैं ये खा जाएगी, बकरियां ये खा लेंगी। ये चीज़ ये देखें, इसमें भी थी गुलाबी, ये इसको भी खाया हुआ है। कहने का मकसद ये है कि जब आप इसमें बकरियां छोड़ देंगे, ये हिस्सा खा जाएगी बकरी, जो छोटे टीँडे हैं वो खा जाएगी बकरी, बाकी तो हमने इसकी चुनाई कर ली है। ये छोटे स्केयर ठहरे हैं, फूल ठहरे हैं, ये देखें ये खा जाएगी, तो आपके गुलाबी सुंडी इसमें जो है मौजूद वो तल्फ हो जाएगी।
ये देखें, ये खा जाएगी, ये खाएंगी बकरियां। आपने भैंस छोड़ देनी है, गाय छोड़ देनी है, वो बड़े बड़े बाल जो हैं वो भी खा जाएंगे। तो इससे क्या होगा, ये प्रिकॉशन है, नेक्स्ट ईयर आपके फील्ड में गुलाबी सुंडी का अटैक कम होगा, क्योंकि हमने इसको, हमारे देहातों में ये ट्रेंड चल रहा है कि हमने ये छड़ियाँ हम रख देनी है ईंधन के लिए, ये पड़ी रहेंगी, जब फिर हम पूरा साल पड़ी रहते, जब फिर हम दोबारा कपास की बुआई करेंगे उस वक्त भी ये मौजूद होंगी हमारी फील्ड में। तो इन्हीं से निकल के फिर परवाने इसके गुलाबी सुंडी के, वो फिर दोबारा आ जाएंगे कपास में और फिर अटैक ज़्यादा होगा। बकरियां छोड़ने के आपके दो फ़ायदे हैं, एक तो ये है जो इसमें गुलाबी सुंडी मौजूद है वो ख़त्म हो जाएगी, दूसरा ये है कि इसका जो है गोबर होगा, यूरिन होगा, वो हमारी ज़मीन में गिरेगा, इससे थोड़ा सा आपका फ़ायदा हो जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर कुछ बढ़ जाएगा। ये आपने लाजमी करना है ताकि नेक्स्ट ईयर जो है आपकी फसल में गुलाबी सुंडी का अटैक कम हो। अगर ये आपने इन तदाबीर पर अमल ना किया तो देख लीजिएगा कि नेक्स्ट ईयर जो है आपके फील्ड में गुलाबी सुंडी का अटैक इससे भी ज़्यादा हो जाएगा। अगर ये आपको हमारी काविश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल जी एग्रीकल्चर 1-2। शुक्रिया।